बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की आज। हेलो जी, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता था? तो यहां पर क्या है कि डेट इज मैसेंजर आरएनए से किसका बनना है, यानी मैसेंजर आरएनए का ही बनना है। डेट इज अ डीएनए से किस चीज का बनना है, डेट इज अ मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है या फिर टीआरएनए भी हो सकता है और या फिर आरआरएनए भी हो सकता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का मेनली जो मतलब है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन से डेट इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो अब हम यही देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने कहा कि अगर आप देखें तो ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का, यानी डीएनए जो है वो इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी ये पोर्शन जो है वो आरएनए फॉर्म करेगा। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये पोर्शन क्या फॉर्म कर रहा है। फिलहाल आरएनए फॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो ये पार्ट कहलाता है, दैट इज अ प्रमोटर। और इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट कहलाता है टर्मिनेटर। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस पार्ट में मैंने तीन पार्ट दिखाए हैं कि एक है प्रमोटर, एक है स्ट्रक्चरल जीन और एक है टर्मिनेटर। ये तीनों के तीनों पार्ट मिलकर कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये पार्ट क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर आप देखें तो तीन चीजें आई, एक आपका आ गया प्रमोटर, एक आ गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, एक आपका आ गया दैट इज आर टर्मिनेटर। क्लियर? अगर इससे भी पहले देखा जाए तो इससे भी पहले यहां पर एक टाटा बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है यहां पर? यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक टाटा बॉक्स है, और ये टाटा बॉक्स यानी इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ये टाटा बॉक्स इसको भी कंट्रोल कर रहा है, और ये टाटा बॉक्स इसको भी कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब आप लोग हैं या सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं सुन पा रहे? यस सर, सुन। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने देखा कि यहां पर ये जो पार्ट था डीएनए का जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब हो रहा है, उस पार्ट को आपने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन से पहले अगर देखें तो दिस इज अ प्रमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन के लास्ट में देखें तो दिस इज अ टर्मिनेटर। ठीक है, मैंने इन तीनों यूनिट को कह दिया कि दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस प्रमोटर से पहले एक और पार्ट है जिसको आप कहते हैं टाटा बॉक्स। ये बेसिकली एटी रिच रीजन है। कैसा रिच रीजन है? दिस इज एन एटी रिच रीजन। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि ये हमको पता है कि यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और किससे फॉर्मेशन होगा? दैट इज डीएनए से। इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? आरएनए पॉलीमरेज। बेटा आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात की जाए तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? इन यूकैरियोटिक सेल की। ठीक
ठीक है, किस सेल की बात हो रही है? इन यूकैरियोटिक सेल की। तो आरएनए पॉलीमरेज वन बेटा किसको बनाता था, कुछ याद है? आरआरएनए को। आरआरएनए में 28 एस टाइप था, 5.8 एस टाइप था और आपका 18 एस टाइप था। इसको कौन बना रहा था, यानी इन तीनों आरएनए को कौन फॉर्म कर रहा था? तो इसको फॉर्म कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज वन। इसके बाद आइए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की। तो ये बना रहा था आपका, दैट इज अ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बना रहा था, इसका मतलब है दिस इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर आप कह लीजिए कि हेट्रोजिनस आरएनए को फॉर्म कर रहा था। इसी के साथ साथ अगर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये बना रहा था आपका टीआरएनए को। टीआरएनए के अलावा अगर देखा जाए तो ये बना रहा था आपका 5sRNA को। 5sRNA को बना रहा था। और अगर देखा जाए तो दिस इज snRNA को फॉर्म कर रहा था। snRNA का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो ये तीनों RNA पॉलीमरेज के ये काम थे। समझ में आ रहे हैं बस? यस सर। ओके बेटा, मैंने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज को अगर मैं दिखाऊं तो बेटा ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको यहां पर एक, मैंने कहा कि दिस इज अ सिग्मा फैक्टर। क्या है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बेसिकली इनिशिएशन फैक्टर है बेटा। सिग्मा फैक्टर कैसा फैक्टर है? ये इनिशिएशन फैक्टर है जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा। तो ये सिग्मा फैक्टर की अगर बात की जाए तो सिग्मा फैक्टर आके लग गया किसके साथ? किसके साथ आके लगा हुआ है सिग्मा फैक्टर? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। आरएनए पॉलीमरेज के साथ लगा। और जब ये यहां पर गया तो यहां पर प्रमोटर वाली साइट पर जाके लगा, ठीक है। और यहां से इसने क्या किया कि इस बॉन्ड को बीच में से ओपन करना स्टार्ट किया, बीच में से ओपन करना। तो मैंने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अनवाइंड द डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट किया है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके, ठीक है। yes. तो ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया उसने, और बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने कहा कि ये इस तरीके से अगर कोडिंग लिखी हुई है तो जब इसने ब्रेक में ब्रेक किया बॉन्ड, तो अब यहां पर इसने आरएनए को फॉर्म करना स्टार्ट किया। ये आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। आरएनए जब फॉर्म हुआ तो ये कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे यू लगा है, यहाँ जी लगा है, यहाँ सी लगा है। इसी तरीके से यहाँ पे यू लग गया, सी लग गया और यू लग गया, ए लग गया। इस तरीके से यहां पर बॉन्ड बनते चले जा रहे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो आरएनए पॉलीमरेज ने किसको बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कौन पहुंच गया है यहां पर? ये पहुंच गया है आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन पहुंच गया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बेटा एक बात बताइए कि क्या ये वाला स्टैंड आरएनए बना रहा है या ये स्टैंड आरएनए बना रहा है? नीचे वाला। इसका मतलब जो स्टैंड बेटा आरएनए बनाता है हम उसको कहते हैं टेम्पलेट। दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड का दूसरा नाम है बेटा नॉन कोडिंग स्टैंड।
कौन सा स्टैंड? नॉन कोडिंग स्टैंड। जबकि जो स्टैंड यानी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उस स्टैंड को हमने नाम दिया कि दिस इज अ कोडिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड है ये? दिस इज अ कोडिंग स्टैंड। तो आप देख रहे हैं कि एक टेम्पलेट है, जब ये बेटा टेम्पलेट है तो दिस इज अ नॉन टेम्पलेट, और ये अगर कोडिंग था ये वाला स्टैंड तो ये बेटा नॉन कोडिंग स्टैंड है। इसको बेटा हम इसलिए कोडिंग स्टैंड कहते हैं क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है आरएनए हैव द सेम कोडिंग एज दिस आरएनए हैव। तो कोडिंग स्टैंड की अगर बात की जाए तो इस पर लिखा हुआ है कि न्यूली सिंथेसाइज आरएनए के पास सेम कोडिंग होगी जैसा कि इस आरएनए के ऊपर है, ठीक है? एज दिस स्टैंड है। तो यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। सर ठीक है बेटा, इनिशिएशन फैक्टर किसको कह रहे थे हम? सिग्मा, सॉरी सिग्मा फैक्टर को बेटा। सिग्मा फैक्टर किससे जाके लगा था? आरएनए पॉलीमरेज से सर। आरएनए पॉलीमरेज से, और आरएनए पॉलीमरेज से लगने के बाद इसने किसको स्टार्ट करा दिया सर? इसने मतलब प्रमोटर को जाके लग जाता है ऑफर, और फिर उसने अनवाइंड करना स्टार्ट कर दिया। किसका अनवाइंड करना स्टार्ट कर दिया बेटा? सर डीएनए का। किस लिए? ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। यस सर। तो यहां तक बात हुई। इसके बाद मैंने कहा कि जब ये आरएनए फॉर्म होने लगा बेटा तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंचा। जब यहां तक आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा है तो अब धीरे धीरे ये पीछे से बेटा बॉन्ड टूट रहा है, ये पीछे से बॉन्ड टूटता चला जा रहा है। तो मैंने पीछे वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये आरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए था, ये न्यूली सिंथेसाइज आरएनए कुछ इस तरीके से होने लगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो यानी यहां पर जी हुआ, यहां पर सी हुआ, यहां पर यू हुआ। ये पीछे के इस तरीके से अगर देखा जाए तो बॉन्ड टूटते जा रहे हैं और आगे बॉन्ड जुड़ते जा रहे हैं। और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है। एक और खास बात है कि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा काम करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है बेटा? इसका मतलब एक और खास बात कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे हैं वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे हैं। यानी यहां पर जो यूज हो रहे हैं वो कैसे न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे हैं? यानी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे हैं। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब मैंने कहा कि यहां पर यूज हो रहा है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरीके से साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरीके से यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये यूज हो रहे हैं। यानी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स यूज हो रहे हैं जहां पर एटीपी है, जीटीपी है, सीटीपी है, यूटीपी है, ठीक है? यहां पर अगर देखा जाए तो 3 फॉस्फेट हैं, देख लीजिए यहां पर भी 3 फॉस्फेट्स हैं, और जब 3 फॉस्फेट्स हैं बेटा तो ये कहलाता है एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? यस सर। सही है। इसके बाद मैंने कहा कि जब जब ये आरएनए पॉलीमरेज इस एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को यूज करेगा तो देखिए ऐसे आएगा एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के एटीपी आया, एटीपी के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज ने एक्ट किया, आरएनए पॉलीमरेज ने जब एक्ट किया तो ये बन गया एएमपी में प्लस 2 पाइरोफॉस्फेट अलग हो गए, ये 2 पाइरोफॉस्फेट अलग हुए। और जब 2 पाइरोफॉस्फेट अलग हुए तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई है, देख रहे हैं आप एनर्जी रिलीज होते हुए के एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट थे? 3 फॉस्फेट।
तीन फॉस्फेट में से दो फॉस्फेट अलग निकल गए, एक फॉस्फेट यहाँ रह गया, उसके अलावा क्या चीज रिलीज हो रही है? एनर्जी। एनर्जी, ये एनर्जी बेटा यूज हो रही है इस बॉन्ड को बनाने में, इस बॉन्ड को बनाने में, इस बॉन्ड को। ये कौन सा बॉन्ड है? हाँ जी, तो यहां पे मैंने लिखा है कि यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो किसको बनाने में यूज हो गई है ये एनर्जी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ये बात आपको पता होगा कि जब ये आरएनए बनता है तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये तो ये जो आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी कहां से आ रही है? एटीपी के ब्रेकडाउन। एटीपी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, अगर हो सकता है बेटा ये जीटीपी ब्रेकडाउन होता, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगना है, जो न्यूक्लियोटाइड लगेगा वही ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अगर जीटीपी टूटता तो ये जीएमपी प्लस दो पायरोफॉस्फेट में अलग हो जाता, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ बेटा, तो इस तरीके से ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड यूज होते चले जा रहे हैं, लेकिन लग कौन से रहे हैं? जी लग कौन से रहे हैं? दैट इज द जीएमपी, दैट इज द गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट लगते चले जा रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगने वाले एएमपी लगता चला जा रहा है, इसी तरीके से सीएमपी लगता चला जा रहा है, इसी तरीके से यूएमपी लगता चला जा रहा है, ये लगते चले जा रहे हैं, ये लग रहा है। यस। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा, लिखा आपने? एक मिनट। यस सर। ओके। इसके बाद जब ये एंजाइम लास्ट में से सिंथेसाइज करता 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 लास्ट में पहुंचेगा, तो लास्ट में जब ये पहुंचेगा तो ये आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज। जब ये आरएनए पॉलीमरेज को रुकना है तो ये यूज करेगा रो फैक्टर को। किस फैक्टर को यूज करेगा? रो फैक्टर को यूज करेगा। ठीक है, ये आ गया रो फैक्टर, ये लगा है। ये जब रो फैक्टर लगा तो रो फैक्टर बेसिकली टर्मिनेटिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? टर्मिनेटिंग फैक्टर, दैट इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर है ये रो फैक्टर। और इसने पूरे के पूरे यूनिट को निकाल कर बाहर ले आया। किसको निकाल के बाहर ले आया ये? जी किसको बाहर ले आया पकड़ के सर? क्या बोलते हैं, यानी ये जो ये क्या था बेटा, ये क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को निकाल के बाहर ले आया ये। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाहर आ जाएगा तो अब आरएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। यस सर। तो आरएनए सिंथेसिस जैसे स्टॉप हुआ तो ये बीच के बॉन्ड सारे ब्रेक हुए, और ब्रेक होने के बाद ये आरएनए बाहर आ जाएगा। यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया है? यस सर। ठीक है बेटा, रब कर दूं इसको? यस सर।
उसके बाद ये जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, दिस इज अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्या है ये? इसको आप कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट 5' से स्टार्ट हुआ है और 3' पर ये एंड हुआ है. ठीक है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में अब मॉडिफिकेशंस होगा. क्या होगा? इट इज अ मॉडिफिकेशंस. तो मैंने कहा कि मॉडिफिकेशन जब होगा तो ये मॉडिफिकेशन 3 तरीके से होगा. तो पहला मॉडिफिकेशन मैंने कहा स्प्लाइसिंग, दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने कहा कि कैपिंग, और लास्ट है बेसिकली टेलिंग. तो मॉडिफिकेशन कितने तरीके के हुए हैं? एक है स्प्लाइसिंग, एक है कैपिंग, एक है टेलिंग. टेलिंग, दैट इज टेलिंग बेटा. तो पहली चीज हमें ये समझना है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में मैंने कहा कि ये पोर्शन कुछ ऐसा पोर्शन है कि जो किसी अमाइनो एसिड के लिए या किसी आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. ये पोर्शन रेस्पॉन्सिबल नहीं है. तो जो पोर्शन रेस्पॉन्सिबल नहीं है हम उनको कहते हैं बेटा इंट्रॉन्स. तो ये रहे इंट्रॉन्स. ठीक है, तो मैंने यहां आगे लिख भी दिया कि डू नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करते, यानी प्रोटीन बनाने में इनका कोई खास रोल नहीं है, और अगर नहीं है तो ये कहला रहे हैं बेटा इंट्रॉन्स. ठीक है, तो ये भी इंट्रॉन्स हो गया, ये भी इंट्रॉन्स हो गया. ठीक है, इसके बाद अगर आप इन पोर्शन को देखें तो बेटा ये है एक्सॉन्स. ये पोर्शन एक्सॉन है, ये पोर्शन एक्सॉन है, इसी तरह ये पोर्शन बेटा एक्सॉन है. तो मैंने कहा कि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये किस में इन्वॉल्व होंगे? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे. क्या ये बात सही है? Yes, sir. जी. अब तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा एक्सॉन और इंट्रॉन, तो जवाब क्या है? सर इंट्रॉन्स मैच्योर आरएनए प्रेजेंट नहीं नहीं होते, वो बात ठीक है बेटा, लेकिन इंट्रॉन का मतलब है कि ये वो सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है ना? तो मैंने कहा कि इसके अंदर सबसे पहले होगा दैट इज स्प्लाइसिंग. क्या होगा? स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में बेटा, स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि जो इंट्रॉन्स थे, इन इंट्रॉन्स का बेटा लूप बनेगा इस तरीके से. और जब ये लूप बनेगा तो दिस इज द 5', दिस इज 3', और इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ये लूप दिखा दिया. ये मैंने कहा कि ये दोनों हैं इंट्रॉन लूप्स. क्या है ये? दीज आर इंट्रॉन लूप्स. ठीक है, और ये पोर्शन क्या था? एक्सॉन. ये पोर्शन एक्सॉन, ये पोर्शन आपका एक्सॉन. उसके बाद मैंने कहा कि अब अगर देखें आप तो दिस इज 5', दिस इज 3', प्लस एक ये लूप, प्लस एक ये लूप.
इन लूप्स को हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या कहलाते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स। और दिस वन इज अ मैच्योर आरएनए। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैच्योर आरएनए। क्लियर हुई बात? ओके। अगर बेटा मैं स्प्लाइसिंग कहूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब होगा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स टू फॉर्म मैच्योर आरएनए व्हिच इन्वॉल्व इन Involved in protein synthesis. Which involved in protein synthesis. यहां तक बातें समझ में आई? Yes, sir. Okay, बेटा. Next आइए. इसके बाद कौन सा पार्ट है? Capping. That is a capping. तो बेटा capping में क्या होगा? तो this one is a कैपिंग। कैपिंग में 7-methylguanosine ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है बेटा। क्या चीज जुड़ रहा है? 7-methylguanosine ट्राइफॉस्फेट। तो आपने कह दिया कि दैट इज अ जॉइनिंग ऑफ 7-methylguanosine triphosphate। इसका जुड़ना कहलाता है दैट इज अ कैपिंग। ठीक है? Yes. और इसके बाद अगर दिखाया जाए तो ये आरएनए के अंदर This is the 7-methylguanosine triphosphate. और उसके बाद लास्ट में आ जाइए तो दिस इज जॉइनिंग ऑफ पॉली ए टेल। ठीक है? एट 3' पोजिशन। At 3' position, ठीक है? Yes, sir. This is called as tailing. यहां तक कंप्लीट हुआ आप लोगों का? Yes, sir. और अब कर दूं इसको? Sir, रुकिए एक सेकंड. हाँ. Sir, introns का किसी ऑर्गेनिज्म में कोई काम नहीं होता? नहीं बेटा, introns का कोई काम नहीं है. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक टर्म आती है बेटा स्प्लिट जीन। कौन सा जीन? स्प्लिट जीन। तो मैंने कहा कि द जीन विच फॉर्म द आरएनए हैविंग एक्सॉन and introns both. ठीक है? तो स्प्लिट जीन किसको कहेंगे? ऐसा आरएनए जिसके अंदर क्या क्या है? इंट्रॉन एक्सॉन दोनों। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होगा। और अगर दोनों प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा? स्प्लिट जीन। यस। कर दूंगा। yes, sir. ओके।
सर अगले टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? क्या हुआ? टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा सर? अब जो आएगा बेटा, अब आप अपना जितना भी मैंने करा दिया है वो सारा तैयार करना शुरू करिए। अब चैप्टर चैप्टर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? समझ रहे? अब आप पूरा पूरा तैयार करिए जितना करवा दिया है, और सभी से पूछूंगा। ठीक है सर। मैंने कहा कि दिस फंक्शनल आरएनए इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शनल आरएनए इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन, ठीक है? तो दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो जो फंक्शनल आरएनए है अब वो किसमें इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज में। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट आइए बेटा ट्रांसलेशन पर, ठीक है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? तो दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर? तो ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन का मतलब हुआ दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बात की जाए तो आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पर। रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आ जाइए तो दैट इज एन अमाइनो एसिड, ठीक है? किस चीज का की जरूरत पड़ने वाली है? अच्छा एक और चीज है, ट्रांसलेशन से पहले एक चीज और रह गई, रुक जाइए। अभी एक आइए जेनेटिक कोड पर बेटा, इसको चलिए पहले कर ही लीजिए, इसको खत्म कर लीजिए, आ जाइए प्रोटीन सिंथेसिस पर ही आ जाइए। ठीक है, इसमें अगर रिक्वायरमेंट की बात करें हम तो रिक्वायरमेंट में बेटा क्या क्या आ जाएगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के अलावा, अमीनो एसिड के अलावा बेटा आ जाएगा टीआरएनए, इसके अलावा आ जाएगा एमआरएनए, इसके अलावा आ जाएगा राइबोसोम्स, इसके अलावा आ जाएगा एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली है। एंजाइम की बात करें तो एक एंजाइम है दैट इज एन अमाइनो असाइल टी आर एन ए सिंथेटेज, ठीक है? एक और मैंने नाम दिया दैट इज अ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है? यस। लिख लिया आप लोगों ने? तो सबसे पहले बेटा आ जाइए दैट इज अ मैसेंजर आरएनए पर। तो मैंने कहा कि अगर मैसेंजर आरएनए में दिखाऊं तो बेटा मैसेंजर आरएनए अभी आपको मैंने दिखाया था कि ये यहाँ पर 7-methyl guanosine triphosphate लगा हुआ था, यस याद है? यस सर। और यहाँ पर पॉली ए टेल लगा हुआ था, ये कौन सा प्राइम था? डर थ्री प्राइम या कौन सा प्राइम था? फाइव प्राइम। फाइव प्राइम। अगर मैं इसको थोड़ा सा
दिखाने की कोशिश करूं तो बेटा ये क्वेश्चन, हाँ एक और बात है इसके अंदर, एक चीज और देख लीजिए पहले। मैंने कहा कि यहाँ पे लगा हुआ है बेटा ए यू जी, क्या लगा हुआ है? ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी का मतलब दिस इज एन इनिशिएशन कोडॉन। कौन सा कोडॉन है? इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन है। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये है यू ए ए, दिस इज अ स्टॉपिंग कोडॉन। कौन सा कोडॉन? स्टॉपिंग कोडॉन, स्टॉपिंग कोडॉन। तो बेटा सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज कोडॉन, कोडॉन क्या चीज है बेटा? जी जल्दी बताएं कोडॉन क्या है। तो आपने कहा कि दिस इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, क्या ये बात सही है कि ये ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि किसको कोड करेगा? सिंगल अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब आते हैं हम इनिशिएशन कोडॉन पर। इनिशिएशन कोडॉन की बात करें तो इसका मतलब दिस इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। कौन सा कोडॉन है ये? एयूजी, स्टार्टिंग कोडॉन। और स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा होता है? एयूजी। और एयूजी स्टार्टिंग कोडॉन भी है, इसके अलावा ये किसको कोड करता है? तो इसके अलावा ये कोड करता है मेथियोनिन को। किसको कोड करेगा? मेथियोनिन, मेथियोनिन को। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग कोडॉन की तो ये आ जाइए दिस वन इज अ स्टॉपिंग कोडॉन। तो आपने कहा कि डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, यानी क्या मतलब हुआ कि ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, बट स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस। किसको स्टॉप करा देगा ये? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करा देंगे। कौन सर? स्टॉपिंग कोडॉन, स्टॉपिंग कोडॉन। और स्टॉपिंग कोडॉन बेटा कौन कौन से हैं? तो एक है यूएए, एक है यूजीए, एक है यूएजी, समझ रहे हैं? यस सर। तो कितने कोडॉन से स्टॉपिंग कोडॉन? तीन कोडॉन सर, तीन है। एक क्या है बेटा? UAG सर, UAA, एक है UAG और एक है UGA। UGA इसको याद करने का तरीका है बेटा, यू आर ऑसम, यू आर गुड, यू आर गुड एंड ऑसम, समझे? यस सर। यानी कैसे याद करेंगे आप इसको? ट्रिक से जी। क्या है ट्रिक? यू आर ऑसम जी, यू आर ऑसम, यू आर गुड, यू आर गुड एंड ऑसम। ये बात याद ये रहेगी या नहीं? यस सर। ओके बेटा, ये क्या पोर्शन था ये वाला? दिस इज अ हेड। ये पोर्शन कौन सा था? टेल। दिस इज टेल। लेकिन अगर आप इस रीजन की बात करें तो दिस इज यूटीआर। इसी तरह इस रीजन की बात करें तो दिस इज यूटीआर। तो यूटीआर बेसिकली कहते किसको है बेटा? दिस इज अनट्रांसलेटेड रीजन है ये। कौन सा रीजन है ये? अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन है। इसी तरह बेटा ये भी अनट्रांसलेटेड रीजन है। और अब अगर दिखाया जाए तो इस तरीके से बेटा, मैंने मैसेंजर आरएनए को दिखाया है,
यस, जिसके अंदर ये पोर्शन बेटा हेड रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन है? हेड रीजन। और ये वाला पोर्शन, दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन, और बेटा ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, दिखाई दे रहा है? Yes, यहाँ पर सारे के सारे कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? कोडॉन्स। और इसकी अगर बात की जाए तो बेटा ये स्टॉपिंग कोडॉन है, और ये वाले की बात की जाए तो दिस इज अ अनट्रांसलेटेड रीजन, इसकी बात की जाए तो दिस इज अ टेलिंग, या टेल कहिए, नॉट टेलिंग बल्कि टेल है ये। क्या चीज बन गया ये सर? हाँ जी तो दिस इज द यूटीआर, और इसके ऊपर बेटा क्या लगे हुए हैं? कोडॉन्स। दैट इज कोडॉन्स। अगर मैं बेटा आपसे पूछता हूँ कि कोडॉन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है तो जवाब क्या है? mRNA के ऊपर। mRNA के ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। किसके ऊपर हैं कोडॉन्स? mRNA के ऊपर। mRNA के ऊपर। रब कर दूं? एक मिनट सर। हाँ बेटा करिए। कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा ट्रांसफर आरएनए पर। ट्रांसफर आरएनए का मतलब दिस इज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल, अडैप्टर मॉलिक्यूल है। मैंने कहा कि दिस इज अ स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, तकरीबन 70 से लेकर 92 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 70 to 92 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं।
ये है 5 प्राइम पोजीशन, ये है बेटा 3 प्राइम पोजीशन, और दिस वन इज अ टीआरएनए। इस टीआरएनए में बात की जाए तो बेटा ये कहलाता है आपका एंटी कोडॉन लूप। कौन सा लूप कहलाएगा? एंटी कोडॉन लूप। ये कहलाएगा बेटा टी साइज सी लूप। कौन सा लूप? टी साइज सी लूप। और ये कहलाएगा डी एच यू लूप। दिस इज अ डाइहाइड्रोक्सी यूरेडीन लूप। कौन सा लूप? डाइहाइड्रोक्सी यूरेडीन लूप। ठीक है? यस सर। टी साइज सी लूप यूज्ड टू बाइंड विद राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। क्या मतलब हुआ इस बात का? जी यस बताएं। टी साइज सी लूप का क्या मकसद है, क्या काम है? सर ये राइबोसोम से बाइंड करेगा। यस। और डी एच यू लूप का क्या काम है? तो मैंने कहा यह एंजाइम बाइंड सो दैट इट कैन कैरी अमाइनो एसिड। तो यानी डी एच यू लूप किससे बाइंड करेगा? सर एंजाइम। एंजाइम से, ताकि इसके ऊपर क्या लग सके? सर अमाइनो एसिड। इसके बाद आ जाइए एंटीकोडॉन लूप। तो मैंने कहा कि यूज टू रीड कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। ये एक साइट है, देख लीजिए कौन सी प्राइम पर है ये वाली। दिस इज अ अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट है ये? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। दिस इज एन अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस। ये बेसिकली बेटा ये एंटीकोडॉन्स हैं, ये हैं एंटीकोडॉन्स। हो गया? यस सर। ओके। सर सर आप 3 प्राइम के नीचे क्या लिखे हैं? ए। मैंने 3 प्राइम के नीचे लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, ये 3 प्राइम है, यहाँ लिखा है ए सी सी, यानी इस 3 प्राइम पर लगा होगा ए सी सी और यहाँ पर लगा होगा जी, इस तरीके से। कंप्लीट हुआ? यस। ओके। तो नेक्स्ट आइए बेटा राइबोसोम पर। अगर राइबोसोम की बात की जाए
इस तरीके का राइबोसोम है, कौन सा है ये, किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ एचटीएस टाइप राइबोसोम। अब अगर दिखाया जाए तो यहां पर एक मैंने आरएनए दिखाया है, ठीक है, दिस इज अ 16S टाइप। यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज अ 23S टाइप। यहां पर अगर आप देखें तो ये 5S टाइप है। और उसके अलावा यहां पर आप राइबोसोम में आप देखें तो ये और ये प्रोटीन्स हैं। क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो ये बताइए कि राइबोसोम बेसिकली किस किस से मिलकर बना है बेटा। जी जल्दी बताएं, राइबोसोम किस किस से मिलकर बना है? सब प्रोटीन से। प्रोटीन से। और बेटा ये जो लिखे हैं 16S 5S, ये क्या है? ये सर आरएनए, आर आरएनए है, सारे के सारे आर आरएनए, दिस ऑल आर आर आरएनए। तो आर आरएनए है और प्रोटीन से मिलकर बना है राइबोसोम। तो कह दिया मैंने कि दिस इज इक्वल टू आर आर एन ए प्लस प्रोटीन, और जब दोनों मिल गए तो हमने नाम दिया दैट इज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या नाम दे दिया इसका? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दैट इज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो बेटा राइबोसोम खुद में जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, यानी राइबोसोम क्या है अपने आप में? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसी तरीके से बेटा 80S में आ जाइए, तो 80S के अंदर दिस इज एन 18S टाइप राइबोसोम, वो 18S टाइप आरआरएनए। उसके अलावा अगर देखें आप तो 28S टाइप। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो दिस इज 5.8S टाइप, और इसी तरीके से बात की जाए तो दिस इज अ 5S टाइप, और दीज ऑल आर द प्रोटीन। तो कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको 80S और 70S टाइप के राइबोसोम में या नहीं आ रहा है? यस सर। और 80S टाइप का राइबोसोम आपको किसमें मिलेगा? यूकेरियोट्स। तो ये मिलेगा आपको यूकेरियोटिक सेल में, देख लीजिए जरा। ठीक है, यस सर, बना लिया। yes, तो ये बताइए कि राइबोसोम में बेटा क्या क्या चीजें हैं? सर आर आर एन ए है और प्रोटीन, आर आर एन ए और प्रोटीन है, और जब ये दोनों मिल गए तो बेटा ये क्या कहलाने लगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। दे आर कॉल्ड एज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, रब कर दूं? यस कर दीजिए।
ट्रांसलेशन पर रिक्वायरमेंट में बता ही चुका हूं ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या था, तो दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मैंने कहा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेटा दिस वन इज अ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए अगर आप देखें तो मैसेंजर आरएनए से सबसे पहले ये बाइंड किया है, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है ये पहले हेड रीजन से लगा था और धीरे धीरे ये स्लाइड करता हुआ उस जगह पे लगेगा जहां पर के बीच में ये इस जगह पर इनिशिएशन कोडोन है। किस जगह पर है इनिशिएशन कोडोन, ये बिल्कुल बीच में है इस जगह पर, समझ रहे बात को या नहीं। तो यहां पर अगर देखें तो आप यहां पे लगा है दैट इज एन ए यू जी, उसके ठीक बराबर में ये पोर्शन है, उसके ठीक बराबर में ये पोर्शन है, समझ गए। yes, तो मैंने कहा कि अब ये एक टी आर एन ए है, कौन सा आर एन ए है, टी आर एन ए है। ये टी आर एन ए के ऊपर क्या अमाइनो एसिड लगा हुआ या नहीं लगा हुआ? यस सर। कहाँ लगाया? सॉरी, दिस इज एन अनचार्ज टी आर एन ए। किस तरीके का टी आर एन ए है ये? अनचार्ज टी आर एन ए, दिस इज एन अनचार्ज टी आर एन ए है। ठीक है, अनचार्ज टीआरएनए के साथ में ये आया आपका अमाइनो एसिड प्लस आया एटीपी, और इसके यूज होने से ये फॉर्म हुआ है, या इसके ऊपर क्या आ गया, अमीनो एसिड। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो दैट इज एन अमाइनो एसिड आ गया, तो अब ये कहलाने लगा दिस इज अ चार्ज टीआरएनए। क्या कहलाने लगा? चार्ज टीआरएनए, कॉल्ड एज अ चार्ज टीआरएनए, दिस इज एन अमाइनो एसिड। क्लियर? यस। अब स्मॉलर सब यूनिट आपने देखा कि हेड रीजन से बाइंड किया था, और बाइंड करते 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 यानी बाइंड करते करते आपने देखा कि स्लाइड करते हुए कहां पे पहुंच गया है, यानी जहां पर इनिशिएशन कोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन जहां पर है उस पर आकर ये आपका टीआरएनए लगा, जिसके स्तर पर एक अमाइनो एसिड लगा हुआ था और इस पर लगा हुआ था यूएसी। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी से, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। हाँ, छोटा हो रहा है। मैंने कहा कि अगर आप इसको देखें बेटा तो यहां पे लगा हुआ है ए यू जी, और ये जो पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं ये वाला पार्ट, ये पार्ट बेसिकली दिस इज एन एमआरएनए बेटा, ये स्मॉलर सब यूनिट है, और इसके ऊपर एक और टीआरएनए आया, ये आया जिस पर लगा हुआ है यूएसी, और इसके स्तर पर ये एक अमाइनो एसिड बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बैठा हुआ है। मैंने कहा कि इसी को मैं दिखा देता हूँ फर्दर। मैंने कहा कि यहाँ पर एक और कोडोन था डेट इज जी यू जी, इससे पहले जितना भी पार्ट था वो सब का सब अनट्रांसलेटेड रीजन था,
अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बात पहले ही बता चुका हूँ। yes, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? अब जब ये आके लग गया तो मैंने कहा कि अब इसके साथ एक लार्जर सब यूनिट आके लगा। क्या लगा है? लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट पहले कौन लगा था? स्मॉलर सब यूनिट। और कौन लगा था? मैसेंजर आरएनए। जिस साइट पर ये लगा है इसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पी साइट बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पी साइट। ठीक है, इसको आप कहते हैं दैट इज अ पेप्टाइडल, पेप्टाइडल साइट कहलाता है। ये कौन सी साइट कहलाता है? पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट। ठीक है, yes, इसके बराबर में यानी अब आके ये कौन सा लगा है? दैट इज अ लार्जर सब यूनिट आके यहाँ पे लगा है। अब अगर देखा जाए तो ये एक और आपका आया, ये जो साइट कहलाती है एडजेसेंट साइट, दिस इज अ ए साइट। कौन सी साइट है ये? ए साइट। ए साइट दिस इज एन एक्टिव साइट है। अब इसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहां पर आया सी ए सी और इसके सर पर एक अमाइनो एसिड रखा हुआ है। क्या रखा है? अमाइनो एसिड रखा हुआ है। अमाइनो एसिड रखा हुआ है। एक और चीज है कि पहला वाला कोडोन कौन सा था जिससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुई है? सर एयूजी। एयूजी। तो ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? तो ये अमाइनो एसिड है दैट इज अ मेथियोनिन। कौन सा है? मेथियोनिन। मेथियोनिन। अब क्या हुआ कि एक और एंजाइम आया, ये है वो एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है दैट इज अ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि आरएनए का बना हुआ है, तो इसको आपने नाम दे दिया दिस इज अ राइबोसाइम। क्या नाम दे दिया इसको? राइबोसाइम। दैट इज अ राइबोसाइम। तो इसका मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो है वो किसका बना हुआ है? सर आरएनए का। आरएनए का बना हुआ है, इसीलिए आपने क्या नाम दिया इसको? राइबोसाइम। दैट इज अ राइबोसाइम। देखिए ये क्या करेगा कि ये इस अमाइनो एसिड को ले जाकर इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो देख लीजिए इसने ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर। इसका मतलब ये पोर्शन, ये वाला टीआरएनए खाली हो गया? यस सर। नहीं हो गया? खाली। खाली हो गया। खाली हो गया। इसका मतलब ये टीआरएनए अनचार्ज हो गया। यस सर। यस सर। अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम स्लाइड करेगा आगे की तरफ। ठीक है, ये स्लाइड क्या करेगा? आगे की तरफ। तो एक और बात कि यहां पर ये जो साइट था, ये वाला साइट, दिस इज कॉल्ड एज एग्जिट साइट। कौन सा साइट है ये? एग्जिट साइट। एग्जिट साइट है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। मैंने एक और बात ये कही कि इस पी साइट के ठीक सामने बेटा एक टनल है। क्या है? टनल है। टनल है। और इस टनल के जरिए ये जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो इस टनल के जरिए बाहर आएगी। यानी ये जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो किसके जरिए बाहर आएगी? टनल के जरिए सर। इस टनल के जरिए। तो मैंने कहा कि अब राइबोसोम आगे मूव करेगा। जब राइबोसोम आगे मूव करेगा तो बेटा ये इस तरीके से मूव कर जाएगा कि अगर यहां पर मैं दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट था, ठीक है, इस तरीके का सब यूनिट था। इस ई साइट पर कौन आ गया? एयूजी वाला। और जीयूजी पोर्शन किस पर आ गया? आप पी साइट पर। और यहां पर मैंने सी जी ए, मैंने एक और कोडोन दिखा दिया कि ये एक और कोडोन आ गया ए साइट पर। और जब ये राइबोसोम शिफ्ट किया तो आपको पता है कि ये टी आर एन ए, ये वाला सी ए सी आ गया इस तरीके से। आया? यस सर। और यहां पर खाली वाला टी आर एन ए लगा हुआ था जिसको हमने नाम दिया था यूएससी, ये और इसके ऊपर अगर दिखाया जाए तो ये एक इस तरीके से इस लार्जर सब यूनिट इसके ऊपर लगा हुआ था। यस सर। नहीं लगा था? लगा था सर।
लगा था, ये खाली वाला बेटा ई साइड से निकलकर बाहर चला जाएगा, ये चला गया बाहर, तो इसका मतलब ये आ गया बाहर। अब क्या हुआ कि ये जो खाली था इसके ऊपर फिर से बेटा एक और टीआरएनए आया अपने सर पर एंजाइम अमाइनो एसिड को लेकर, यस सर, माने फिर यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा था, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, यस सर, इसने क्या किया कि यहाँ से इसको फिर से ट्रांसफर किया और यहाँ पर ऐसे करके इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया, यस सर, ठीक है। और अब ये फिर से स्लिप करेगा राइबोसोम और अब इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ आ जाएगा, ये खाली वाला फिर से यहाँ आ जाएगा और ये पोर्शन जो था ये चला जाएगा पी पर, ये किस पे चला जाएगा, पी पर, ये खाली वाला किस पे चला जाएगा, ई पर, और ए वाला फिर से अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोटीन सिंथेसाइज होती चली जाएगी, यहाँ तक कुछ समझ में आ रही है कहानी, प्रोटीन सिंथेसाइज इसी तरीके से सिंथेसाइज होती चली जाएगी। और जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो इस टनल से बेटा बाहर आ रही है, इस टनल से बाहर आ रही है, ये न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन दिखाई दे रही है, यस सर, ये इसलिए बेटा इस टनल से बाहर आ रही है ताकि ये प्रोटीन बच सके बाहर के एंजाइम से, यानी ये जो प्रोटीन आ रही है यहां से निकलकर इस टनल से, वो प्रोटीन जो है प्रोटेक्शन चाह रही है एंजाइम से। अगर ये प्रोटीन अगर बाहर साइटोप्लाज्म में होती, साइटोप्लाज्म में, तो इसको एंजाइम कट कर देते और बहुत जल्दी से इसको खत्म कर देते, इससे पहले कि ये प्रोटीन के ऊपर कोई एंजाइम काम करे, तो इसके ऊपर एक काम करते हैं चेपरॉन्स, कौन काम करता है, चेपरॉन्स, और चेपरॉन्स इस प्रोटीन को मॉडिफाई कर देंगे, यानी मैंने कहा कि मॉडिफाई द प्रोटीन सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइम, यानी ये प्रोटीन किससे बची रहेगी, एंजाइम से, एंजाइम से। तो चेपरॉन ने क्या काम किया बेटा, सर प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया, प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया, क्यों मॉडिफाई कर दिया, एंजाइम से बचने के लिए, एंजाइम से बचने के लिए, किसने, और किसने किया था, चेपरॉन ने सर, चेपरॉन ने। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई, यस सर, ओके बेटा आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगली टर्न पे स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट किया, यस सर, ओके, सभी का हो गया, यस सर।